हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जापान तीसरी बार फेल, मांगी भारत से मदद, नहीं उड़ा रॉकेट, चंद्रयान 3 ने की अद्भुत खोज। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्पेस के क्षेत्र में भारत की एक के बाद एक विशाल कामयाबी को देखते हुए अब दुनिया भर के कई देश चंद्रमा पर जाने की तैयारी में जुटे हैं, जिसमें सबसे बड़ी कोशिश आज जापान करने वाला था, क्योंकि आज सुबह 9:30 पर जापान अपना एक लूनर मिशन लॉन्च करता जिसके तहत वे अपने रोवर को चंद्रमा पर उतारना चाहते थे। इस मिशन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो जापान चांद पर पहुंचने वाले देशों में शामिल हो जाता, साथ ही वे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दूसरा देश भी बनता। लेकिन बिल्कुल लॉन्च के समय से ठीक पहले ही जापान ने अपने इस मिशन की लॉन्च पर रोक लगा दी और इसके पीछे कोई बड़ा कारण भी नहीं बताया। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब जापान अपने लूनर मिशन को लॉन्च करने में नाकाम रहा हो। ऐसा तीसरी बार है जब उन्होंने खराब मौसम का हवाला देते हुए इस मिशन को लॉन्च करने से मना कर दिया। आज से पहले भी जापान की कई कोशिशें नाकाम हो चुकी है, जिसे देखकर अब दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ये बात कहना शुरू कर चुके हैं कि चंद्रमा पर पहुंचना हर देश की बस की बात नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि जापान का ये मिशन इतना महत्वपूर्ण इसीलिए था क्योंकि इसके जरिए वे बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना रोवर लैंड करना चाहते थे, जिसकी दूरी सिर्फ 100 मीटर रेडियस की होती। इतने में अगर जापान अपना लैंडर सफलतापूर्वक लैंड कर लेता तो यह ऐतिहासिक कामयाबी होती, क्योंकि भारत को भी अपने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को लैंड करने के लिए काफी बड़ा एरिया सेलेक्ट करना पड़ा था, जिसमें हमने जरूरत के अनुसार कई बार बदलाव भी किए। यहां तक कि इसे ओरिजिनल प्लान के मुताबिक 100 किलोमीटर दूर तक बदला गया था, पर जापान अपने इस लूनर मिशन के जरिए ऐसी काबिलियत प्रदर्शित करना चाहता था जिससे वह बिल्कुल एक छोटे से इलाके में अपना अंतरिक्षयान लैंड कर सके, जो भविष्य में एक काफी बड़ी काबिलियत होती। पर ऐसा करने में जापान हर बार नाकाम नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जापान अब भारत की तरफ देखने पर मजबूर हो चुका है। बता दें कि दोनों देशों के बीच में अंतरिक्ष को लेकर साझेदारी बढ़ती जा रही है और जापान चंद्रमा पर पहुंचने के लिए भारत की सहायता और हमारे साथ काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रहा है। उदाहरण के लिए हम हाल ही में सामने आए लूपनेक्स मिशन को देख सकते हैं, जिसके जरिए कुछ समय पहले जापान के नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर जनरल भारत आए थे और उन्होंने इसरो प्रमुख के साथ मिलकर बड़े समझौते भी किए। दोस्तों, लूपनेक्स मतलब जॉइंट लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के जरिए भारत और जापान चंद्रमा के ध्रुवों पर पानी के होने की पुष्टि करना चाहते हैं। ये मिशन आने वाले कुछ सालों में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें भारत और जापान की पार्टनरशिप खुली आंखों से देखी जा सकेगी, जिसके तहत इसमें दोनों देश 50-50% के वर्क शेयर से काम करेंगे। बता दें कि लूपनेक्स में लगने वाला रॉकेट हाउसिंग और रोवर जापानीज होगा, जबकि इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला लैंडर भारतीय होगा, जो दोनों देशों की बराबर भागीदारी को साफ तौर पर दर्शाता है। इसी बीच चंद्रयान 3 को लेकर एक काफी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई, जिसके तहत हमें कुछ ऐसी जानकारी मिली जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल अगर इसे एक उदाहरण से समझे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दरअसल जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर रेगिस्तान और पहाड़ों की बात करें तो दोनों में तापमान का अंतर काफी ज्यादा होगा। मतलब एक रेगिस्तान में जमीन 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकती है, जबकि पहाड़ों में यही टेम्परेचर -50 डिग्री तक ठंडा हो सकता है। लेकिन तापमान में यह अंतर 700 या 800 किलोमीटर की दूरी पर देखने को मिलता है। लेकिन हमारे विक्रम लैंडर में लगे एक खास उपकरण ने ऐसी खोज कर दी जिसे देखकर इसरो के वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। यहां तक कि इसरो वैज्ञानिक खुद ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें इस खोज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। दरअसल विक्रम लैंडर पर लगे सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट प्रोब ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि चंद्रमा की सतह पर तापमान में बहुत ही ज्यादा अंतर है। अगर आंकड़ों की बात करें तो सिर्फ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर तापमान में -50 से लेकर -70 डिग्री तक का अंतर देखा जा रहा है, जो बेहद ही हैरानी की बात है, क्योंकि यह खोज एक ऐसी जगह पर की गई जहां पर हालात चंद्रमा के हमेशा अंधेरे में रहने वाले इलाकों के मुकाबले काफी अच्छे हैं। फिर भी इसमें सिर्फ 10 सेंटीमीटर जितनी छोटी दूरी में भी तापमान में -50 डिग्री तक का अंतर देखा जा रहा है, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और हैरान करने वाला है, जिसे देखकर अब ये बात कही जा सकती है कि भारत चंद्रमा पर कुछ बहुत ही क्रांतिकारी खोज करने के लिए आगे बढ़ रहा है। और पता नहीं हमें अगले कुछ दिनों में किन
नई बातों का पता चलेगा। वहीं इसी बीच हमारा प्रज्ञान रोवर भी 27 अगस्त को 4 मीटर के डायमीटर जितने बड़े क्रेटर की संपर्क में आते आते बचा, जो उससे मात्र 3 मीटर आगे था, जिसे देखकर प्रज्ञान रोवर ने अपना रास्ता बदल लिया। ऐसे में हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हमारे उपकरण चंद्रमा पर सुरक्षित रहे, जिसे सुनिश्चित करते हुए इसरो पूरी सतर्कता से अपने ऑपरेशन और रिसर्च एक्टिविटी को अंजाम दे रही है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन क्या भारत को जापान की स्पेस एजेंसी को चंद्रयान मिशन में मदद करनी चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। अमेजिंग है कि भैया उन्होंने डेट्स डिसाइड की हुई थी और उस डेट पे उन्होंने लॉन्च ही नहीं किया, और जैसे कह रहे हैं वेदर वगैरह बोल दिया, एक्चुअली कुछ और वजह का वेदर कभी हमने कभी भी नहीं सुना। कभी भी जब भी कोई हो रहा होता है स्पेस का मिशन की वेदर की वजह से जी नहीं हुआ, और अगर नहीं होता तो वो नेक्स्ट डेट भी डिसाइड करते हैं कि अच्छा आज नहीं तो 2 दिन बाद करेंगे या 3 दिन बाद करेंगे। ऐसे थोड़ी होता कि बस हमने कैंसिल कर दिया, कुछ और पंगा हुआ होगा, कोई और बात हुई होगी। जापान के इतने फेलियर्स हुए हैं तो कोलैबोरेशन के बावजूद कि अपने उन्होंने किए वो फेल हो गए, ये कोलैबोरेशन के थ्रू ही खुद कर रहे थे, पता नहीं मुझे तो लग रहा है हर एक में लग रहा है कोई ना कोई कोलैबोरेशन किसी का मुश्किल होता ही है। और उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ पता चला होगा, जिसकी उन्होंने लगा कि और पैसा जाया करने के बाद रुक जाओ अभी थोड़ा दोबारा चेक करते फिर करते जल्द। देखिए होता ये है कि अगर किसी के ज्यादा ही फेलियर्स होते हैं तो वो बहुत ध्यान से काम करता है, उसके बाद हर चीज़ में कॉन्फिडेंस लो हो जाता है आपका। आप देखते हैं कि अच्छा इसकी प्रॉब्लम आ सकती है तो क्यों जल्दबाजी, क्योंकि उसको भी आंसर करना है। अगर एक और गया तो बहुत बुरा नाम आता है कि भाई इतने सारे लॉन्च करते हैं सबके सब फेल ही हो रहे हैं, कभी सक्सेस दिख ही नहीं रही उनकी, एक भी सक्सेस नहीं दिखी तो उसके रस इतनी क्रिटिसिज्म होती है। इसलिए वो कह रहे हैं भैया शांति से जाओ, आराम से देखो। और इसके रस ये भी हो सकता है इंडिया से कोलैबोरेट करने के लिए बहुत जल्दी से आएंगे कि इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर देखते हैं कि क्या होता है। अफकोर्स उनके पास पैसा है, अफकोर्स उनके पास बड़े बड़े रॉकेट्स हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बहुत टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, मगर नॉर्मली सिंपल चीज़ से शुरू करना चाहिए। पहले अगर आप कैपेबिलिटी नहीं है तो पहले आप छोटे से शुरू करिए फिर आगे बढ़िए। तो ये समझ नहीं आ रहा, बट ये भी सब पूरे वर्ल्ड में हैरानी आई थी कि उन्होंने कैंसिल कर दिया। कैंसिल मतलब बोल दिया नहीं, आज नहीं होगा बिकॉज ऑफ वेदर, पता ही नहीं पता, मेरे को ही नहीं पता था जाना था आज, मुझे यही नहीं पता, मुझे पता था कि बना कुछ कर रहे हैं, कब हो रहा है कुछ नहीं को मुझे उसका पता नहीं था। आई वाज क्वाइट सरप्राइज जब मैंने ये सुना, मैंने कहा सोच रहे थे और किया नहीं है। पर मैं ये सोच रही हूँ कि देखो इससे पता चलता है वहाँ रशिया का फेल हो गया, या ये करने लगे थे इन्होंने भी कुछ पंगा हो गया, इन्होंने भी वहीं पर रोक दिया। कितना मुश्किल है वहाँ पर जाना, जो हमारा इंडिया ने, हमारे इसरो ने कर दिखाया, और वो भी इतने लिमिटेड बजट के अंदर, ये है कमाल। और हैरानी की बात है कि वो जापान, जब हम छोटे थे भैया जापान की टेक्नोलॉजी वहाँ के, वो तो हम सोचते थे, ऐसे लगता था वो तो पता नहीं कितने आगे हैं, क्या चीज़ें बनाते हैं, ये है उस, इतने हाई फाई लगता था। और अब देखो वो उनसे अपना भेजा ही नहीं जा रहा, जबकि इंडिया भेज चुका है, देख रहे हो कितना चेंजेस का डिक्लाइन चल रहा है अभी, कमाल है, डिक्लाइनिंग, वही तो कर देख के हैरानी हो रही है, शॉकिंग। तो चलो अभिषेक अन्ना अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।